कि वृंदावन में रक्तवीर संस्था के द्वारा 23 बार रक्तदान शिविर लगाया गया। वृंदावन में रक्तवीर संस्था द्वारा हर 15 दिन बाद रक्त चढ़ने जैसी थैलीसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए गोरा नगर स्थित 4 संप्रदाय आश्रम में 23वां रक्तदान शिविर लगाया गया। लाइफ केयर ब्लड बैंक के सहयोग से शिविर में पुलिस कर्मियों सहित 30 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। शुभारंभ महंत ब्रज बिहारी दास महाराज और मुख्य अतिथि देवरा बाबा के चौकी प्रभारी ईश्वर सिंह ने ठाकुर जी के चित्रपट पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके इस दौरान हेड कॉन्स्टेबल कमलेश यादव भी उनके साथ रहे। उन्होंने कहा कि हर किसी को साल में कम से कम 2 बार रक्तदान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी रक्तवीरों का उत्साह बढ़ाया। लाइफ केयर ब्लड बैंक के निदेशक ब्रजेश शर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर से एकत्रित हुए रक्त को थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क और बिना एक्सचेंज के दिया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल और कोतवाली प्रभारी ने सभी को रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। आज आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं क्या? जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। रक्तदान देने से क्या क्या फायदे हैं? बहुत फायदे हैं सर। पहला फायदा तो जो है किसी के लिए गरीब बच्चे के लिए जाएगा और हमारा नया ब्लड चालू हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे इस शिविर के लिए रक्तदान के लिए? बहुत अच्छा शिविर है सर। दान गरीब बच्चों के लिए दान कर रहा है और तरक्की कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा सर। मेरा नाम के अग्रवाल है। ये रक्तवीर संस्था द्वारा 23वां रक्तदान शिविर लाइफ केयर ब्लड बैंक के सहयोग से 4 संप्रदाय आश्रम गोरानगर कॉलोनी में लगाया गया है। ये हमारा 23वां रक्तदान शिविर है। अभी संस्था को 2 साल हुए हैं। 2 साल में 23 रक्तदान शिविर लगा के हजारों लोगों की जान रक्तवीर संस्था ने बचाई है और आगामी हमारे कार्यक्रम 12 जून को रक्तदाता दिवस के अवसर पर 4 सप्ताह आश्रम में ही जिला अस्पताल के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। आगे के लिए भी मैं लोगों से अपील करता हूं कि 12 जून को आकर रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान करें और अनजान लोगों की जान बचाएँ।